Smart strategy begins from the first step of going very thoroughly with the syllabus. क्या होता है, हम लोग rumors में बड़ा विश्वास करते हैं और आम बोलचाल में बहुत विश्वास करते हैं, अच्छा ये पढ़ना है वो पढ़ना है, बट वी नेवर टेक द ट्रबल कि हम नेट पे सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस अच्छे से पढ़े और समझे और ये समझ लें कि हमारी इसमें क्या क्या स्ट्रेंथ्स और क्या वीकनेसेस हैं. सो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप दैट एनी एस्पिरेंट नीड्स टू डू इज टू गो वेरी वेरी थॉरली विद द यूपीएससी सिलेबस. इतना थॉरली यूपीएससी सिलेबस पे जाएं दैट यू मेमोराइज इट, याद कर लें सिलेबस. Secondly, the next step is कि आप अपने foundation strong बनाएं. This examination, 80% of the syllabus is from humanities. इसलिए अगर 11th और 12th की NCERTs जो basic होती हैं, अगर वो हमने अच्छे से हमारी उसमें foundation नहीं है, या मान लीजिए हमने humanities नहीं किया 11th 12th में, तो सेकेंड स्टेप ये होना चाहिए कि आप 11th और 12th की NCERTs को पढ़कर एक फाउंडेशन, एक बेस बना लो. थर्ड, आई विल नॉट बोर यू ऑल, आई थिंक सबको यहाँ बुक्स जो पढ़नी पड़ती है पता ही है, गो थ्रू द एसेंशियल बुक लिस्ट. फोर्थ एंड कहेंगे कि इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है कि हम याद कैसे करें इतनी सारी चीज़ें. हैं तो चीज़ें बहुत, किताबें भी खरीद ली, बट हाउ डू वी मेमोराइज इट, हाउ डू वी रिकलेक्ट इट. Revision and how many revisions do you need to take before prelims and mains? हर चीज का तीन बारी revision करना पड़ता है.